हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ मेरा ई बाइक। आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये पिछले महीने करीब अक्टूबर को इसको लिया था और मैं अपने पापा को जो गांव में रहते हैं उनको गिफ्ट दिया था। आइए देखते हैं ये कैसा चल रहा है, इसमें क्या क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इसमें दूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो ये है 48 वोल्ट 10 एएच का। इसका चार्जिंग वोल्टेज है 54.6 वोल्ट का और इस बैटरी का वेट है 5 किलो। अब बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो इसकी जो बॉडी है पूरी एल्युमिनियम की है, पूरी बॉडी इसकी आप देख ही रहे हैं। इसके हैंडल में ये बैटरी इंडिकेटर दिया है 4 लेवल। ये एक बार फुल चार्ज करने पर 40 का रनिंग बताता है, 40 किलोमीटर तक ये चल सकता है। इसी के यहाँ पे है थ्रोटल, ये इसका थ्रोटल। इसकी स्पीड फुल स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। इसकी कोई रजिस्ट्रेशन या कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लेफ्ट हैंड में यहाँ पर देखिए इंडिकेटर दिया हुआ है, ये राइट का और ये लेफ्ट का। यहाँ पर दिया है हेडलाइट जो एक पुश में आपको काफ़ी रोशनी दे रही है। देखिए काफ़ी अच्छा इसका फोकस है और इधर इसका हॉर्न दिया है। पीछे उसका टेल लैंप, साथ ही उसके इंडिकेटर हैं। ये इंडिकेटर राइट और लेफ्ट का अच्छी रोशनी है इसकी। फ्रंट में इसका शॉक एब्जॉर्वर दिया हुआ है जो ठीक ठाक है। सामने उसका ड्रम ब्रेक दिया हुआ है और रेयर में पीछे में भी इसका ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसकी जो एक लॉक यहाँ दिया हुआ है जिससे कि आप कहीं जाए तो उसके चक्कर को आप लॉक कर सकते हैं। ये जनरली किसी को दिखाई नहीं देता, बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। इस साइकिल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक पैडल भी दिया हुआ है जो कि आपको दिख रहा है। अगर कहीं अगर आपकी बैटरी आपने चार्ज नहीं किया या चार्ज करना भूल गए तो भी आप इसको पैडल से चला सकते हैं, काफ़ी फ्री है। साइकिल का जो फ्रंट वाला सीट है काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और जो रेयर में दिया है ये पैसेंजर सीट जो दिया हुआ है उसमें आप कुछ कैरी भी कर सकते हैं। इसका जो लोड कैपेसिटी है 120 केजी है, ऐसा जहाँ से मैंने ख़रीदा है वहाँ बताए हैं। बैटरी की 1 ईयर वारंटी बताई है पर वे बोले हैं कि 4 साल तक वैसे कुछ होता नहीं है, बट 1 ईयर की वारंटी मोटर की तथा इसका व्हील का दिया हुआ है। ये मेरा गाँव है, मैंने ये गिफ्ट मैं अपने पापा के लिए दिया हूँ, उनको ख़रीद कर दिया हूँ ताकि वो अपने गांव से थोड़ी देर में बाज़ार है या खेती वगैरह है आने जाने के लिए वो कर सकते हैं। हम पीछे का लॉक जो सीट है उसको खोल के बताते हैं। ये देखिए पीछे का जो सीट है ये पूरी तरह खुल गया है,
मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई है नहीं, मैं ही अकेले को करना पड़ रहा है। तो ये पीछे का सीट खुल गया है, इस पर आप 120 केजी विथ ड्राइवर लोड ये ले सकती हैं। काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है, साइकिल जैसा एकदम लाइट वेट है। कहीं अगर कुछ गड्ढे वगैरह आ जाए या नाली जैसा आ जाए तो आप इसको उठा के भी इधर से उधर कर सकते हैं। सामने एक प्लास्टिक का बास्केट दिया है जो कि क्वालिटी जो ठीक ठाक ही है, नॉट बैड। इस पर आप अपना कुछ फ्रूट्स या कुछ सब्जी वगैरह ला सकते हैं। ये अक्टूबर में लिया था, तब से लेकर अब तक ये कंटिन्यू चलती है और आज भी मैं चलाया हूँ पापा को लेके, बैंक वगैरह गया था तो ठीक ठाक अब तक चल रही है। इसे मैंने जब लिया था तो करीब 30,000 का ये पड़ा था, पर अभी शोरूम वाले बता रहे हैं कि थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। कॉलेज जाने के लिए या जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है, 25 की स्पीड में चलती है। एक चक्के को लॉक करने के लिए है, दूसरा बैटरी में रखने के लिए। ये बैटरी में आप इसको यहाँ पे डाल के घुमा देंगे, गाड़ी ऑन हो गई है, थ्रोटल देंगे गाड़ी आगे चलेगी। यह रेयर व्हील का है, तो ये है अंधेरे में देखने के लिए। इसमें एक ये बटन दिया हुआ है जिसमें कि लाइट जलती है, आप इसमें देख के भी अंधेरे में इसको लगा के इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक हो गया आपका चक्का, अगेन आप घुमा दिए अंधेरे में, अगेन लाइट चालू कर लिए, इसका ये चक्का फ्री हो गया। तो दोस्तों ये रहा मेरा ओवरऑल पूरा गाड़ी का लुक, आई होप आप समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसकी नाइट भी बताऊंगा कि इसकी रोशनी कैसी है।